पंखा सब्जी बनानी, दाल भी बनानी, रोटी भी सेकनी, तुम्हारे तो एक है बच्चे आएगा, बच्चा को तैयार नहीं करो। नमस्कार दोस्तों, फिर से करो, मैंने नमस्कार नहीं मतलब प्यार से कर रहा हूं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक फिर एक बहुत यूनिक ट्रिक के साथ आपके सामने हाजिर है। ये कार की कुछ ऐसी ट्रिक है जिससे मैं माइंड की पावर से जान सकता हूं कि आपने कौन सा कार्ड सिलेक्ट किया है, और ये मैजिक आपको दिखाने वाला भी हूं और सिखाने वाला भी हूं। और मेरा दावा है कि ये मैजिक आपने आज से पहले यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने देखा भी हो, लेकिन बहुत कम, शायद ही इस मैजिक को कोई जानता होगा। तो दोस्तों, ये मैजिक कुछ इस तरह से है। मेरे पास तीन कार्ड है, ठीक है। एक ये चार नंबर है हुकुम का, और एक बेगम है चिड़ी की, और पान का इक्का। पान का इक्का, चिड़ी की बेगम और हुकुम का चौवा, किसी भी तीन कार्ड से हो सकता है। मैंने ये सिलेक्ट कर लिए हैं। तो इसमें करना क्या है आपको, ये तीन कार्ड है, ठीक है। इन तीन कार्ड में से आपको एक कार्ड को सोचना है, मन में अपना एक कार्ड बना लेना है। इसको मान लीजिए आपने अगर बेगम सोची है, तो आप सबसे पहले कैमरे पे दिखाएंगे, मैं नहीं देखूंगा, आप कैमरे पे दिखाएंगे और इसका फेस डाउन कर देंगे, और जो बाकी दो कार्ड बचेंगे आप उनकी जगह चेंज करके उनका भी फेस डाउन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा, आप सबको मिक्स कर देना, फिर मैं आपका माइंड रीड करके बताऊंगा कि आपने क्या आपका सोचा था, ठीक है। गेम का रूल समझ गए आप कैसे? समझ गए। तीन कार्ड है बेगम, ये या कैसे भी आप कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक कार्ड चूज करना है इनमें से, वो आपको कैमरे में दिखा देना है ताकि कोई बेईमानी ना हो पाए, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं गेम को। गेम समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। तो मैं अपना चेहरा इधर कर रहा हूं। अब आप कोई भी कार्ड सेलेक्ट करके उसको कैमरे में दिखा दो। जो कार्ड आप सेलेक्ट करेंगे उसको अपनी जगह पे उसका पलट देना है, फेस डाउन कर देना है, और बाकी के दो जो कार्ड है उनकी जगह आपस में चेंज करके और उनको भी कर दी पलट देना है, हो गया जी। अब एक कार्ड आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। और एक काम कीजिए, सबकी जगह आपस में चेंज कर दीजिए ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में ना पता चले कि आपने क्या सोचा था, ठीक है। और मिक्स करना और कर सकते हो, तसल्ली के लिए, ऐसा ना है कि हो गया जी। तो अब सबसे पहले तो आपको अपना कार्ड मन में सोचना है, उसी रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, कार्ड आपको अच्छी तरह याद है, कैमरे पे दिखा दिया जी। दिखा दिया था। तो अब मैं कोशिश करता हूं कि आपका कार्ड क्या है। अगर आपको अभी भी इसकी पोजीशन और चेंज करनी है, आप कर सकते हैं। नहीं नहीं कर लूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप जितनी बार चाहे इसकी पोजीशन चेंज करा सकते हैं। ये अभी स्टॉप बोल रहे कि नहीं मैं इतना ही पोजीशन चेंज करूं, तो ठीक है, अगर चाहे तो आप कितनी बार भी इसकी पोजीशन चेंज करा सकते हैं। अब मैं इसका कार्ड जानने वाला हूं कि क्या है। अब मैं इनको एक एक करके कार्ड दिखाता हूं, और फिर इनके माइंड से क्लियर करूंगा कि इनका कार्ड यही है। आपको कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देना है, आपको एक ही तरह से रहना है बिल्कुल, ठीक है। चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदलने, आपको उनको कंट्रोल करके रखना है अपने आप को, ठीक है। और किसी बारे में नहीं सोचना, केवल कार्ड के बारे में सोचना, उसी कार्ड के बारे में, और बिल्कुल जैसे कि आप एक स्थिरता मान लीजिए अपने आप से, ठीक है। मैं एक एक करके कार्ड दिखाता हूं।
अब मेरी तरफ देखिए आप, काट को सोचिए, ये काट आपके सामने है, इक्का चौवा बेगम, इक्का चौवा बेगम, इक्का चौवा बेगम, आपका काट है इक्का पान का, सही जवाब जी, सही जवाब जी, दोस्तों। और आप ये मैजिक कितनी बार भी कहीं दिखा सकते हैं, चाहे वो कोई भी कार्ड सोच ले, आप तुरंत चुटकियों में उसका दिमाग पढ़ के बता सकते हैं कि जनता ने कौन सा कार्ड सोचा था। चलिए जानते हैं इसके पीछे का सीक्रेट आखिर क्या है और ये मैजिक कैसे होता है, हम कैसे माइंड रीड करते हैं। तो दोस्तों ये मैजिक इस तरह से होता है कि हमारे पास कोई भी तीन कार्ड हम गड्डी से ले सकते हैं, कोई से भी तीन कार्ड या कोई भी तीन नाम किसी कागज में लिख के, कोई भी अंक किसी तरह से भी तीन कार्ड हमें चाहिए। तो मैजिक होता कैसे है, आपको कार्डों को याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप एक कार्ड जो बीच में आप जिसको रखते हैं उसको याद करना है आपको। अगर आप बीच में बेगम रखते हैं तो आप बेगम पे फोकस कीजिए, अगर इक्का रखते हैं तो इक्के पे फोकस रखना है आपको, और चौवे पे रखते हैं तो चौवे पे फोकस रखना है, ये आपके ऊपर है। मान लीजिए मैंने बीच में इक्का रख के गेम को स्टार्ट किया, और बार बार आप हर गेम में हर सबकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने इक्का रखा और आपने अपने साथी से बोला कि एक पत्ते को चूज कर लो और बाकी का अपनी जगह बदल के और फेस डाउन कर दो, तो मान लो उन्होंने बेगम चुनी है तो वो बेगम को सबसे पहले पलटते हैं ऐसे, फिर इनकी जगह चेंज कर देनी है तो वो इनकी जगह आपस में चेंज करेगा और अब आप फेस इधर कर देंगे। अब आपको करना क्या है, आपका पत्ता जो था इक्का, जो आपने मन में पत्ते को सेलेक्ट किया था वो आपका पत्ता इक्का है, और जो जनता ने पत्ता सोचा वो है बेगम। अब आपको नहीं पता कि उसने क्या पत्ता सोचा, लेकिन आपको बेगम, आपको अपने इक्के पे फोकस रखना है यहाँ पे, क्योंकि आपका इक्का यहाँ पे था लेकिन अब उसकी जगह चेंज हो चुकी है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप क्या करेंगे, आप बीच के पत्ते पे फोकस रखेंगे, बस आपको बीच का पत्ता देखना है कि आखिर ये पत्ता कहाँ जा रहा है। अब आप बोल देंगे उसको मिक्स करने को, तो वो मान लीजिए इस तरह से मिक्स करता है, ये आपको इस पर ध्यान रखना है, वो फिर इस तरह कर देगा, वो कहीं भी कर दे, आपको केवल इस पे फोकस करना है। वो कितनी बार भी मिक्स करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको केवल इस पत्ते पे फोकस करना जो बीच में था, आपका बीच में इक्का था, लेकिन अगर चेंज कर दिया होगा तो बदल गया होगा, नहीं तो इक्का ही होगा, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको इस पत्ते पे गौर रखना है, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, आप अपनी बातों के जाल में उसे फंसाते रहिए, और अब आप क्या करेंगे, उस बीच वाले पत्ते को जो जहां पहुंचा है आप उसको पहले चेक कर लेंगे। तो बीच पे का पत्ता जो आपका था तो इक्का, लेकिन यहां पे वो बीच वाला पत्ता चौवा आ रहा है, यानी कि अगर देखिए शॉर्टकट में आपको समझाऊं, अगर आपका बीच में इक्का ही निकल जाता, बीच वाला पत्ता कहीं भी जाके इक्का ही निकलता, तो उसने इक्का ही सोचा है, ठीक है। और अगर इक्के की जगह पे यहां पे चौवा निकला है तो उसने जो तीसरा पत्ता बचा वो सोचा है, और अगर यहां पे बीच के पत्ते की जगह बेगम निकल जाती तो उसने चौवा सोचा है। अब देखिए कैसे हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूं, फिर से एक बार इस मैजिक को करते हैं, ठीक है, मैं तीनों एंगल से दिखाता हूं। अब मान लीजिए इसने चौवा सोचा है, वो चौवे को यहीं पलटेगा और इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देगा। अब आपकी नजरों में ये इक्का है आपका, क्योंकि बीच में था, आप इस पे फोकस करेंगे। अब वो पत्ते मिक्स कर रहा, देखिए आपका ये गया, उसने चौवा सोचा ही, याद रखना, लेकिन आपकी जो बीच का पत्ता आपका ये है, ठीक है, वो फिर मिक्स कर रहा है, फिर मिक्स कर रहा है। अब आपको क्या करना है, बातें करते करते आपको फिर ये पत्ता देखना है, इसे यानी बेगम, इसका मतलब आपने बीच में इक्का छोड़ा था लेकिन बीच वाले पत्ते में बेगम आ रही है, तो फिर जो तीसरा पत्ता बचता है वही उसका सिलेक्ट किया हुआ पत्ता होगा। अब ये तो दो कंडीशन होगी, इधर की और उधर की। अब अगर वो यही पत्ता सोचता है तब भी आपको बीच में ही फोकस करना है। मान लीजिए उसने ये सोचा, उसने इसको पलटा और ये दोनों को उसने चेंज कर दिया,
चेंज करने के बाद आपको बीच पे ही फोकस रखना है। फिर आप इस तरह देखिए, कहीं भी मिक्स कर ले, कितना भी मिक्स कर ले, आपको बीच वाले पत्ते पे फोकस रखना है। ये बीच का पत्ता आ गया, आपको फिर इसको चेक करना है, आपको मनी मन देखना है इक्का। अब बीच का पत्ता अगर इक्का ही आ रहा है तो उसने इक्का ही सोचा है। देखिए मैं एक बार फिर से आपको आराम से समझा देता हूं। अगर बीच का पत्ता आप मतलब ढूंढते हैं अपने पत्तों में, बीच का पत्ता अगर वही निकलता है तो उसने यही पत्ता सोचा है। अगर बीच में बेगम की जगह चौवा आ जा रहा है तो उसने इक्का सोचा है। और बीच के पत्ते में अगर बेगम की जगह इक्का आ रहा है तो चौवा सोचा है। तो दोस्तों वीडियो को 2-3 बार आप रिपीट करके देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा टफ लगता है तो मैं दोबारा आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं और भी आसान तरीके से इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आशा है ये मैजिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मैजिक समझ में नहीं आया है तो मैं इसको दोबारा वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा और भी आसान तरीके से। और अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार अगर ध्यान से देखेंगे, समझेंगे मेरी बात को और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना, आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि मैं जो भी मैंने वीडियो डाले हैं माइंड रीडिंग के, उनका ट्यूटोरियल बहुत जल्दी आपके लिए लाने वाला हूं। लेकिन कुछ कारणों से अभी मैं उनका ट्यूटोरियल आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इसमें समय लगता है। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।